वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप लोग कैसे हैं, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि जो है वॉल मिक्सचर कैसे लगाया जाता है, जो कि वॉल मिक्सचर जो बाथरूम का है, वॉल मिक्सचर कैसे लगाया जाता है जो प्लंबरिंग का काम का। तो गाइस मैं आप लोग बताऊँगा कि जो काफ़ी आसान तरीका से मैं आप लोग को बताऊँगा। देखिए एक हमारा इधर टंकी का, हमारा जो है गीजर का हो गया गर्म पानी का, इधर देखिए हमारा जो है ठंडा पानी का टंकी का पानी। ये देखिए गीजर है हमारा, देख सकते हैं आपको, ये दोनों पॉइंट है हमारा, देखिए शावर का है, इधर देखिए हमारा मोटर का हो गया। तो गाइस मैं आप लोग इसको बताऊंगा कि सिंपल तरीका से कैसे, मतलब आसान तरीका से जो मिक्सचर आप लोग लगा सकते हैं। पूरा आप लोग वीडियो देखिए, काफ़ी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना आसान तरीका से। तो गाइस ओके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस देखिए हमारा मिक्सचर हो गया, जो आप लोग देख सकते हैं हमारा मिक्सचर हो गया। तो उसके बाद इसके चलते हैं। गाइस देखिए हमारा जो है, क्योंकि हमारा जो है ये अंदर हो रहा है, और उसके बाद देखिए हमारा टेक्सन पीस हो गया। तो मैं आप उसको एक बार कच्चा लगा कर आप लोग को देख लेना है, जो एक इंच लगेगा कि मतलब डेढ़ इंची का जो है टेक्सन पीस लगेगा हमारा। देखिए एक इंच हमारा बहुत अच्छे तरीके से आ जा रहा है, एक इंच का। तो मैं इसका अभी मैं इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो इसको हम लोग धागा सफेदा मार कर दोनों में पहले इसको सेट कर देते हैं। और गाइस देखिए हमने फाइनली देखिए हमने टेक्सन पीस में जो अपना टेप नाल मार दिए हैं, और इसको पहले हम लोग पक्का कर देंगे। देखिए मैंने टेक्सन पीस मार दिए हैं, इससे पहले हम लोग पहले इसको कच्चा जो है कच्चा लगा कर देख लेंगे जो हमारा सेटिंग इस पर रखा है। उसके बाद हम मिक्सचर अपना देखिए हमारा जो है मिक्सचर हो गया, और इसको पहले हम कच्चा लगा कर देखें कितना हमारा सेटिंग आता है। उसके बाद हम इसको धागा लगा लगा कर उसको हम देखिए हमने इसको कच्चे लगा कर देख लिया, हमारा जो सेटिंग है इसका बहुत ही अच्छा रहा है। हम इसको हम खोल देंगे, दोनों हमारा जो है टंकी है इस पर हम लोग धागा सफेद लगा लेंगे। देखिए हम दोनों टंकी में जो है धागा सफेद मार लिए हैं, हमको उस पर सेट करना है जहाँ पर हम लोग मिक्सचर जो है कच्चा हम लोग सेट किए थे, उसी पर हमको ले आकर इसको कसकर छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम लोग मिक्सचर इसको कसेंगे, फाइनली चलते हैं। उसके बाद हम कसते हैं। गाइस देखिए हमने जो है इसमें सेटा इसको बना लिए हैं, अब जो इसको हम लगा कर देखेंगे अच्छा रहेगा। तो गाइस देखिए आप लोग देख सकते हैं जो हमारा मिक्सचर है बहुत ही आसानी से हमारा फिट हो गया है। और उसके बाद गाइस अब हम इसको नहीं, अब चलिए इसको देखते हैं। और ध्यान रहे गाइस जो आपको ये देखना है कि जो है हमारा जो है कैप है, जो हमारा कैप है जो इसमें मतलब दीवार में जो चिपक जाना चाहिए। ये देखिए हम जो हमारा देखिए जो है कैप है, तो देखिए हमारा जो कैप है वो दीवार में चिपक जा रहा है। तो आप लोग भी ऐसा जो है चिट्टा मार लीजिएगा, और काफ़ी बहुत ही आसान तरीका है। और गाइस चलिए इसको बदलते हैं, हम इसको ऊपर वाले सेटा बनाते हैं लेने के लिए। तो इसको पहले हम लोग गाइस को कर देंगे, देखिए जो हमारा है ऊपर का है इससे हम इसको कस देंगे, इसको भी पहले कस देंगे उसके बाद, और जो जैसे कसेंगे उसको हम कसेंगे उसके बाद हम देख लेंगे हम कि जो है हमारा इसका जो है कैप जो दीवार में चिपकना चाहिए। हम इसमें भी अब धागा सफेदा मार लेते हैं, देखते हैं। तो भाई देखिए हमने इस टेक्सन पीस में भी जो है हमने टेप नाल मार दिया है, काफ़ी जो है
टाइल्स का अंदर जो हमारा पॉइंट ज़्यादा चला गया था, काफ़ी जो है मिस्त्री लोग कभी ज़्यादा मोटा प्लास्टर कर देते हैं और टाइल भी लगा देते हैं तो ज़्यादा जो है बिस्तर चल जाता है, तो हम भी इसको भी लगाएंगे। देखिए हमारे एलंगी है काफ़ी जो है टेक्सचर पीस में हमारे एलंगी बहुत ही आराम से बैठ जाता है, हम लोग इसे खोल भी लेते हैं और इसे कस भी लेते हैं काफ़ी बहुत ही आसान तरीका से। तो गाइस हमने टेक्सचर पीस मार दिया है और अपने देखिए हमारा जो है सावर के लिए है, हम इसको हम मारेंगे धागा। अब गाइस हमको शावर के लिए जो हमारा एलंकी है इसको हम अब सेट करेंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे लगा कर और अब बहुत आसान है, आप लोग यहाँ पर देखिए इसके नीचे साइड से यहाँ पर इसमें लगा कर उससे नीचे साइड देकर इतना हमारा जो है कटेगा, हम इसको चाहे आपको आरी हो चाहे आपका मशीन हो जिससे कटिंग कर दीजिएगा, हम हमारे पास मशीन है तो हम कटिंग कर देंगे। गाइस देखिए हम इसे कटिंग कर लिए हैं, देखिए जो हमारा काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया, इसको हम इसमें भी कैप लगाएंगे और उसमें भी कैप लगा देंगे। चलो empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Guys, सबसे पहले हम ये करेंगे जो हम इसमें जो है पहले इसमें रबर लगाकर हम पहले हम इस वाले को हम एनर्जी का पर इसमें हम टाइट कर लेंगे ताकि जो हमारा उसमें लगाने पर मतलब दिक्कत ना करें और काफ़ी आसान से बैठा जाता है। आप लोग देखते रहिए और इतने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर हो जाता है। इसको हम दो जोड़ी जो है अभी टाइट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे अभी जो है फिलहाल दो की दो जोड़ी हम लोग टाइट कर लेंगे। स्क्रेच भी नहीं आता है और फ्रेश भी रहता है, काफ़ी जब लोग इस्तेमाल करेगा तो काफ़ी आप इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी और इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए मतलब स्क्रेच भी आ सकता है। देखिए हमारा कितना फ्रेश है आप अपने आप ही दिखा देगा। आप लोग फाइनली देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर वाल मिक्सचर जो है रेडी हो गया, तैयार हो गया है और इसे देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो है तीन पॉइंट दिए हैं, जो देखिए हमारा जो है अब देख सकते हैं हमारा जो है मोटर का हो जाएगा, ये हमारा टंकी का है, ये हमारा गीजर का है और हमारा देखिए हमारा शावर के लिए हो गया अभी है और आप लोग को दे सकते हैं मिसाल वीडियो। तो गाइस कैसा जो लगा हमारा जो है वीडियो, तो कैसा लगा वीडियो तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग और भी मतलब वीडियो अच्छे लाऊंगा मैं बताऊंगा काफ़ी जो भी आसान तरीका से। तो गाइस ओके थैंक्स, यही चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलता है। ओके गाइस।